नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 666वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग के जो स्पेलिंग होते हैं वो याद नहीं हो पाते हैं, या छोटे छोटे वर्ड भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ लगता है कि कैसे पढ़ें या क्या इसका उच्चारण करें, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा अल्फ़ाबेट के बारे में। बताइए कि अल्फ़ाबेट किसे कहता है। अगर आप जान रहे तो अच्छी बात है, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो सीधा आप सीधा जो है आइए, जो वर्ड मीनिंग्स हैं वहाँ से आइए। और जो बिगनर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ से बहुत ज़रूरी है, या जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्फ़ाबेट या वर्णमाला, लोग समझते हैं कि अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है, ऐसा नहीं है। वर्णमाला हिंदी व्याकरण में है, जबकि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी ग्रामर में है। अल्फ़ाबेट जो है ABCD कहते हैं, जो कि जड़ तक होता है। इसमें 26 लेटर होते हैं, ये सभी लोग को पता है। उसके बाद देखिए, इसी के अंदर AEIO और U, ये पांच जो है दोस्तों, पांच जिसकी संख्या पांच है, ये वोवेल कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? वोवेल। और इस वोवेल का मतलब स्वर नहीं होता, ये अलग पार्ट है। जैसे वर्णमाला के अंदर ये स्वर आता है, और वोवेल जो है दोस्तों, यही इंग्लिश को पढ़ने के लिए जिम्मेदार है। कह सकते हैं कि कोई वर्ड अगर पढ़ा जा रहा है SON, तो यहाँ SON को सन क्यों पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं SUN, तो इसे भी सन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछूंगा भाई, या कमेंट करिए हमारे ऊपर, कि जो AEIO इसको कितने तरह से बोला जा सकता है। लोग बहुत सारे लोग अभी भी जानते हैं कि AEIO को जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसे चार से पाँच तरह से बोला जाता है। इसीलिए जो है अंग्रेजी के हर एक वर्ड मीनिंग में डिफरेंस है। जैसे कि हमारे हर एक जो ह्यूमन है, हर एक पर्सन है, उसका जो है DNA थोड़ा सा है, लास्ट 99.99 तो एक मतलब सेम रहता है, लेकिन वो जो है 0.001 जो है वो कहा जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से पूरे हर लोग अलग अलग हैं। तो वैसे ही है हर एक वर्ड मीनिंग में। अब जैसे यहाँ चाहे तो सन हो रहा है, आप कह देंगे भाई सन, चुप हो जाएंगे, इसका क्या मतलब लोग समझेंगे, अब सोचने लगेंगे अरे सन का मतलब क्या है। तो आगे पीछे अगर कुछ नहीं हो, भाई सिर्फ बोलिए सन अचानक से, तो लोग पूछेंगे भाई सन का मतलब क्या है, सूरज या बेटा। तो ये जाहिर सी बात है, और उसमें कौन कौन सा क्यों, अगर सन को सन क्यों पढ़ रहे हैं, यू का मतलब तो यू होता है, जैसा कि मैंने बताया AEIO, तो यू से तो यू बोलेंगे ना, तो सुन क्यों नहीं पढ़ रहे, या ओ को क्या बोलते, ओ पढ़ रहे हैं, तो सोन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब समझना होगा वोवेल के द्वारा। तो मैं बताऊंगा जब वोवेल के हिंदी और अंग्रेजी पे आएंगे तब। अब देखिए, जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसे व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन जो है दोस्तों सभी लोग जानते हैं, लेकिन वोवेल्स का उच्चारण कम जाते हैं, इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं पढ़ने में। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट के बारे में। तो कॉन्सोनेंट जिसमें कि AEIO और U, यानी कि जो हमारा है, क्या बताइए, जो हमारा है अल्फ़ाबेट, उसमें AEIO नहीं रहे तो वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब देखिए इसका उच्चारण क्या होता है। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जाए जी वाला जब ऑप्शन जैसा कि चल रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कैसे पढ़ें। एच को ह बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं। अब देखिए सी से भी क होता है और के से भी क होता है। एल को ल बोलते हैं, एम को म बोलते हैं, एन को न ण बोलते हैं, पी को प बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र ड बोलते हैं, एस को स और ज बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, और टी से ही च और श होता है। बी को व भ बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं। अब देखिए एस डी से ज भी उच्चारण हो रहा है और एस से ज भी उच्चारण हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ज बोलते हैं, क्योंकि जे से ज का उच्चारण होता है ना। अब जैसे ग्रेजुएट जब लिखेंगे, अब जैसे ग्रेजुएट लिखेंगे ग्रे है ना, ग्रे, तो ये देखिए ग्रेजुएट का स्पेलिंग में डी को यहाँ पर ज उच्चारण किया गया। या जो एस का ज होता है, जैसे कि आई एस में जो इज को ज बोलते हैं, डब्ल्यू ए एस में
वाज को ज बोलते हैं, तो ये एस मीन्स भी ज होता है, तो इसको समझना होगा। दूसरी बात कि टी को ट होता है तो बोलते हैं च, सब भी बोलते हैं कैसे, तो देखिए टी यू आर ई इसे चर बोलते हैं और टी यू ए एल इसे च्वल बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर च उच्चारण हुआ है। अब देखिए टी आई ओ एन और टी आई ए एल यहाँ पर जो है श उच्चारण हुआ। एक्यूरेट अगर बात करें किसका उच्चारण हो रहा है, जो टी आई है इसमें देखिए कॉमन ही ना है, टी आई को बोल रहे हैं श और टी यू को बोल रहे हैं च, लेकिन अब ये सफिक्स वर्ड पार्ट है तो चर या चुअल, तो चर से बहुत सारा वर्ड मीनिंग बनता है, फर्नीचर है ना, नेचर कैंडिएचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, सन से कंडीशन, शेल से कॉन्फिडेंशियल वगैरह, तो ये सब बनते हैं। ये सब बहुत कम ही लोग जानते हैं कि टी से च सब भी होता है, इसीलिए जो है अगर पेशेंट लिखा रहे तो आदमी जो है स्टूडेंट जो है या जो पढ़ना सीख रहे होंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये पेशेंट क्यों बोल रहा है यहाँ पर, पेशेंट जब टी को यहाँ ट ही बोल रहे हैं तो ये वाला टी जो है यहाँ पर ट क्यों नहीं उच्चारण हो रहा है, आप खुद में दिमाग जो है एनालाइज करने लगता क्योंकि जानकारी तो नहीं रहती है ना, इसीलिए। तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, अब अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई, जेड को ज झ बोला जाता है। फास्ट भागते हैं दोस्तों। अब देखिए वोवेल जो है, वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहेगा तभी आप वर्ड मीनिंग अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे, इसके लिए बार बार देखते रहिए और याद करने का ट्रिक समझिए। देखिए ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, अ आ और ए भी बोलते हैं। ई का उच्चारण जो है दोस्तों सिर्फ ई बड़ी ई या छोटी ही नहीं हो रहा है, अ आ और या ए भी हो रहा है। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं हो रहा है बल्कि अ आ ई छोटी या बड़ी ही होता है। उसके बाद डबल ओ का बड़ी जो हमारा ओ है उसका उच्चारण अ आ उ सिर्फ उ ही नहीं हो रहा है बल्कि सॉरी ओ ही नहीं हो रहा है अ आ उ हो रहा है, जबकि यू का उच्चारण अ आ उ हो ही नहीं हो रहा है। देखिए यू है और इसके अलावा अ आई उ है, तो कहने का मतलब है कि आप तो समझ ही रहे हैं कि यू को यू बोलते हैं, को बोलते हैं, को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, तो इसके अलावा तो बहुत सारे उच्चारण है ना। अब देखिए डबल ओ से भी वर्ड मीनिंग होता है, जैसे अ आ उ यहाँ तरह इसी का इस्तेमाल होता है ओ और उओ। अब देखिए जैसे कि वर्ड ले लेते हैं ना, मान लीजिए आर ए टी ई रैट, ए का उच्चारण कैसा हुआ एक रूप में, लेकिन जैसे ई आता है तो उच्चारण रेट हो जाता है, यानी कि ए का उच्चारण एक रूप में होता है। अब ई जो है ये यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हो गया, या आप ऐसे लिख दीजिए रिमेम्बर री मेम बर, ठीक है रिमेम्बर। अब देखिए यहाँ आर के बाद ई जो है उसका उच्चारण ई के रूप में हुआ, और उसके बाद वाला भी है ई जो है पहला जो है ई के रूप में छोटी के रूप में, दूसरा है ई जो है वो ए के रूप में हुआ, और तीसरा ई जो है अ के रूप में हुआ। एक ही ई लेकिन तीन तरह से उच्चारण, पहला ई छोटी के रूप में, दूसरा ई ए के रूप में, तीसरा ई अ के रूप में, बना। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक ही। अब जो नहीं जानेंगे, जो नहीं इसके बारे में जानते वो तो कंफ्यूज रहते ही हैं और इसी तरह सीखते हैं, लोगों को इस तरह से बताया भी नहीं जाता है इसलिए वो जानते भी नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई जानता है, ऐसा नहीं होता है। सभी को अपने सभी का जानने का अधिकार है, एक्चुअली सभी को इस तरह की बात जानेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। अब लाखों लाख वर्ड मीनिंग को तो पढ़ते नहीं रहेंगे, एक ऐसा पैटर्न को सीख लेना जिससे कि हर एक वर्ड मीनिंग पढ़ सकें। अब देखिए व्यंजन के बारे में बात करते हैं, व्यंजन और स्वर मिलाकर ही अक्षर बनता है, और अक्षर प्लस अक्षर को जोड़ दीजिए तो क्या बनता है शब्द बनता है। अक्षर प्लस अक्षर को जोड़ देने से एक शब्द बनता है। यहाँ पर सारे के सारे व्यंजन हैं और उसका अंग्रेजी दिया गया है। अगर अंग्रेजी में किसी को मैसेज करते हैं, किसी को नाम लिखते हैं, तो यही सब इंग्लिश का इस्तेमाल करना होगा आपको, लेकिन उसमें स्वर का अंग्रेजी भी लिखना होगा। जैसे व्यंजन है और मान लीजिए लिखना है कमल, तो कैसे लिखेंगे कमल, तो क ये है व्यंजन, इसमें अ मिलाना होगा स्वर से, तो क अ क हो गया प्लस म प्लस अ अ तो मिलाना ही होगा प्लस ल प्लस अ। देखिए तो कहने का मतलब है
कि ये क्या लिखा गया, कमल, कमल हो गया कमल। इसी में अगर अंग्रेजी लिखना है तो के ए एम ए एल, यहाँ पर एल और ए, तो हो गया कमल। अब बताइए कि अगर आपको स्वर व्यंजन का नहीं पता रह गया, स्वर व्यंजन का अंग्रेजी नहीं पता रह गया तो कैसे लिखेंगे, इसलिए याद कर लीजिए। इसे याद करना, इसे कॉपी पे याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर, बहुत जरूरी है। कॉपी पे कॉपी बनाइएगा तभी आप आगे सीख पाइएगा अच्छे से, और मेहनत करिएगा तभी सीखेंगे, क्योंकि मेहनत तो आप ही करना है, उसको याद आप ही करना है। मुझे तो याद है लेकिन आपको क्या याद है ये आप सुनिश्चित करिए। देखिए के से, सॉरी क से के होता है, ख के लिए केच, इसमें एच जुड़ गया। ग से ग का जी होता है, घ के लिए जी एच, इसमें जुड़ गया। एन जी का अंगा होता है, ये वो लोग भूल जाते हैं। छ का सी एच, इसमें एच, छ में सी डबल एच, इसमें जुड़ गया। ज से ज का जे, झ के लिए जे एच, इसमें एच जुड़ गया। वाई एन से बोलते इया, तो इसमें ढेर सी बातें इया हो गया। टी से, ट से टी हो गया, ठ से टी एच हो गया, ड से डी हो गया, ढ से डी एच हो गया, अणा से एन हो गया। त से टी हो गया, थ से टी एच हो गया, द से डी हो गया, ध से डी एच हो गया, अन्ना से एन हो गया। इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग ना लिख के एक ही जगह लिखा है ताकि आप अच्छे से याद कर पाएँ। फ से पी, फ का पी एच, इसमें जुड़ गया। ब का बी, भ का बी एच, इसमें जुड़ गया। म का एम, यानी कि हर दूसरे और चौथे वाले में जो है, दूसरे चौथे वाले में एच जुड़ जा रहा है। अब य का वाई, र का आर, एल का ल, व का वी वी, वी डब्ल्यू, तालाब्य शम और धन्य श का जो है दोस्तों एस प्रयोग करते हैं। और देखिए दंस का एस, ह का एच, अक्षर का केश, त्र का टी आर, ज्ञा का जी वाई जो है बोला जाता है दोस्तों। तो ये याद लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखना होगा। अब देखिए ये जो मैंने बताया कि भाई व्यंजन के बाद स्वर को समझना होगा, तो स्वर जो है सो वर्णमाल का पहला पाठ है, और इसमें इसके 14 मैंने बताया है, 14 ही याद रखें आप। जैसे अ आ ई ई उ उ री री, इसका उच्चारण देखिए इस तरह से भी करते हैं, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री हर दीर्घ उ दीर्घ री। अब इसका अंग्रेजी देखिए, अ का ए, आ का ए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है हिंदी से अंग्रेजी करते समय, यह ठीक है। आई ई का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर ई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच, इसमें ये जो है लोग भूल जाते हैं, ये जो है भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद रखें अच्छी तरह से ताकि उनको अच्छी तरह से याद भी रहे। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं या मैसेज करना सीखना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, फेसबुक हो, कुछ पे, तो अगर हिंदी से, चलिए हिंदी से अंग्रेजी वाले करते हैं, हिंदी से जो जस्ट अंग्रेजी लिखते हैं वो नहीं कि ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, तो आप पे को ये दोनों आना चाहिए और इसका अंग्रेजी भी आना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए आज जो है पढ़ेंगे ये है जी लिखा हुआ, लेकिन जी यहाँ साइलेंट है, और मैक्सिमम आप जी साइलेंट देखेंगे, और यह है नर्स, नर्स नेटी, ठीक है नेटी, नेटी हो गया। नोएड, नो नोवा, नेइस, नोम्स, नोमिक, नोमोन, अब देखिए नोसेस, नोसिस, गॉडेड, 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 गोल्ड, ये गोल्ड नहीं, गोल वो है और वो गोल्ड नहीं है, चांदी जैसा है लेकिन आपको समझना होगा, गोल्ड, ठीक है गोल्ड, गोली, गोयना, गोइटी है ना, गोइटी, गोबैंग, गोबैंस, गोबैंस एस लगा लीजिए, इसे थोड़ा जोड़ दीजिए, गोबैंस, गॉब्ड, गोबेट, गोबल, गोबीज, आई एस को बोलते ईज, तो हो गया गोबीज, गॉबलेट, तेजी से पढ़िए जिनको नहीं पढ़ने आता, तो देखिए गॉबलिन, गोविज, गोबोनी, गो गोडम, गोडेड, गोडेट, गोडाउन, गॉडसन, अब देखिए जिमाए, जेम्ड और जेमोट, किस तरह से बदल गया पढ़ने का तरीका, ये आप देख रहे होंगे, तेजी से पढ़ेंगे, गोफर्स, गॉडबिड, गोफे,
गॉगल है ना, गॉगली, गॉगलेट, गोइंग्स, गोइटर, गोइटर, गोल्डन, गोल्डर। नेक्स्ट है गोलम्स, गोल्फ्ड, गोल्फा, गोलोस, गोम्बोज, गोमुती, गोनाट्स, गोनेप्स, गोनर्स, गोंग्ड, गोनिप्स। नेक्स्ट है गोनिप्स, गोनियन, गोनियम, गोनोप्स, गोनोफ, गुवर, गुड बाय, गुडी, गुडली, गुफ्ड, गुगली। दोस्तों इस तरह से पढ़िए और समझिए कैसे पढ़ा जाता है। देखिए मैं बाद में बताऊंगा तोड़कर भी कहाँ कहाँ से पॉज लेना है, लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो अमनीश इन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए, जहाँ दोस्तों आपको 860 के आसपास वीडियो मिलने वाली है। वीडियो संख्या बढ़ रही है जितने आप लेट से देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों जहाँ आपको रीडिंग नहीं करने आता, यानी पढ़ने नहीं अंग्रेजी में आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ने आ रहा, तो वह इतने सारे वीडियोज़ हैं कि आप सीख जाएंगे और रीडिंग यानी कि बहुत ही करेक्टली सेंटेंस ग्रामेटिकल लिखेंगे। तो क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिएगा सारे रूल रेगुलेशन ग्रामर के, और स्पोकन भी कर सकेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन मेहनत पढ़ने का एक अलग तरीका होगा सीखने का। जब पढ़ना सीख जाएंगे तो आप क्या होगा कि आप बोलने में भी आपको सहूलियत होगी, और लिखना सीख जाएंगे तो करेक्ट बोलेंगे, सब कुछ सीखेंगे। बस इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक की आवश्यकता ना ही डिक्शनरी लेना है, क्योंकि डिक्शनरी के लिए रोज़ जो डेली वर्ड्स हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ, तो आप बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं, और दोस्तों ये टेक्स्ट मैंने लिया है जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी की बुक जो कि प्रमाणिक माना जाता है, स्टैंडर्ड बुक्स है, इसमें तरह तरह के वर्ड मीनिंग्स आ जाते हैं, तो मैंने तरह तरह के वर्ड मीनिंग्स अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि पढ़िए, तो 10th लेवल का है, तो सोचिए कि इसी तरह के वर्ड मीनिंग्स आपको एक्चुअली सेंटेंस पढ़ते होंगे और फंस जाते होंगे। कुछ इजी है, कुछ टिपिकल कुछ लोगों के लिए है, खासकर जिनको नहीं पढ़ना था उनके लिए है, तो बाकी है अभी जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए तो बात ही नहीं हो रही। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट को मैं बताऊँगा, सर्कल करूँगा, जिससे पता चलेगा कि ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, वो पार्ट यही रिपीट नहीं हो रहा है। आप दूसरे जगह भी जाएंगे तो ऐसे ही जो पार्ट्स रहेगा, चाहे वो शुरू में लग रहा हो या अंत में लग रहा है, जब शुरू में लगेगा तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, जो अंत में लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं, बीच में कुछ पार्ट्स लगते हैं तो वो आते ही रहेंगे। तो मैं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए, जैसे वेन उच्चारण हो रहा है वेन, ई एन को बोलते एन, एन बहुत जगह लगता है, जैसे टी ई एन टेन है ना, एम ई एन मेन, एच ई एन हैन, तो डब्ल्यू लग गया है तो वेन हो गया। वेन द वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट exceeds the value of imports, it is called a favorable, a v l e को बोलते हैं एवल, फेवरेबल बैलेंस, a n c को बोलते हैं एंस। ऐसे c e को याद रखेंगे तो स पढ़ेंगे हमेशा, लेकिन यहाँ a n c को एंस पूरा एक बार में याद कर लीजिए, ये हमारा सफिक्स वर्ड है। ऑफ ट्रेड, a के बाद ई आया, ऐसे a का उच्चारण ए के रूप में हुआ, लेकिन जब ई जैसे ही आता है ई, तो ए का उच्चारण आय के रूप में होकर ए के रूप में होता है, तो होता है ट्रेड ऑन द कन, सी यू एन को बोलते हैं कन है ना, कन को याद रखिए कन ट्रेरी। इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज टर्म्ड, ई आर को आर बोलते हैं, टी के लगा टर्म हो गया, ई डी को एड बोलते हैं, टर्म्ड एज अनफेवरेबल, ए बी एल ई को बोलते हैं एवल, अनफेवरेबल बैलेंस, ए एन सी को बोलते हैं एंस, हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अमोंग, ओ एन जी को बोलते हैं ऑंग है ना, तो एस एम ए एम लगा तो अमोंग हो गया, एस लगता है सॉन्ग हो जाता है, डब्ल्यू आ रहा तो रॉन्ग हो जाता है, बहुत वर्ड बनता है अमोंग से, तो याद रखिएगा द कमो सी ओ कम कमोडिटीज, आई एस को बोलते ईज कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट्स द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, टी यू आर को बोलते चर, इसको जैसे मैंने बताया चर याद रखिए, द एंड अलाइड,
प्रोडक्ट्स हैज बीन 8.64% ENT बोलते हैं परसेंट, बेस मेटल 6.91%, जेम्स एंड ज्वेलरी 17.02%, केमिकल्स एंड रिलेटेड हो गया, TD को याद रखिए टेड, रिलेटेड ऐसे भी एक बार ये आ गया तो रिलेट हो गया ना, रिलेटेड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 12.06% इन 2016 to 2017, द कमोडिटीज इम्पोर्टेड, देखिए TD को याद रखिए टेड, टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स 22.4%, जेम्स एंड ज्वेलरी 12.8%, केमिकल एंड रिलेट्स प्रोडक्ट्स 9.6%, बेस मेटल्स 5.95%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 10.94%, मशीनरी 8.9%। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं इजी वे में, तो बस जो जो घर मैंने सर्कल किया उसको ध्यान रखते हो, दूसरे को टेक्स्ट को उठाइए, पढ़ना सीखिए, देखिए आप क्या सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान रखेंगे तो वाकई में आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए रोज़, आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना है। अब देखिए जो है दोस्तों कैसे पढ़ा जा रहा है, तो जी जो कि यहाँ साइलेंट है, जी एन, देखिए जी बहुत सारे वर्ड हैं, जी एन इसको ना पढ़ते हैं, एल एम इसको भी एम पढ़ते हैं, है ना, इधर वाला पढ़ा जा रहा है, या आप देखेंगे डी जी है ना, इसको ज पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे कि वर्ड बनते हैं, इसे आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, या देखिए एल के है ना, तो इसका क पढ़ते हैं, अभी इससे बनता है वॉक, इससे देखिए लॉज, इससे काम, इससे साइन, या अब यहाँ देख रहे हैं नर्स, तो ये सब नोट कीजिए, ये सब बार बार रिपीट नहीं होते क्योंकि ये सब साइलेंट, पहला लेटर जो साइलेंट है दूसरा लेटर का उच्चारण हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये है नर्स, ठीक है, नर्स, नेटी हो गया, नेवड, नेवेड, नर्वस, नवर, नेइस, ठीक है, नेइस, फिर देखिए नोम्स, नोमिक, नोमोन, नोशेस, क्या होगा नोशेस, गोएडेड, देखिए गोल बोलते हैं, इसमें डी लग गया तो गोल्ड हो गया, गोल में ई आई आई लग गया तो गोली हो गया, गोन में एन ए लगा तो गोयना हो गया, गोए में टी लग गया, टी वाली तो गोएटी हो गया, गो में गोब में एंज जुड़ा तो गोबैंग हो गया, गोबैंस इधर देखिए गोब्ड हो गया, गोबलेट गोबेट हो गया, ये गोबल, उसके बाद गोबीज, आई एस को बोलते ईज तो गोबीज हो गया, गोबलेट हो गया, गोब में गोब यहाँ हो गया तो गोबलेट, दूसरा देखिए गोब, गोब होता है गोबलिन, गोबोज, गोवोनी, गोडैम, गोडेड, गोडेट्स, गोडाउन, गॉड हो गया, यहाँ पर देखिए सन हो गया, गॉड सन, जिमाई, जेम होता है ना, जेम रत्न यानी उसमें लग गया जेम्ड हो गया, जेमोट, दूसरा देखिए गोफर्स, अब देखिए यहाँ पर गोफर्स पड़ा है, गोफर्स, गॉडविड, गोफे, गोगल, गोगली, गोगलेट, गोइंग्स, गोइटर, ई आर को बोलते हैं, आर टी लगा तो टर हुआ, गोइटर हो गया, गोइटर, गोल्डन, ई एन को बोलते हैं तो गोल्डन हो गया, गोल्ड से गोल्डन बनाया, गोल्ड से ई आर लगाया तो गोल्डर हो गया, गोलम्स है ना, गोलम्स हो गया, गोल्फेड, गोल्फर बोलते हैं ना, गोल्फर, गोल्फ जो खेलते हैं गोल्फर बोलते हैं, गोलोस, गोम्बोस, फिर गोमुती, गोनेट्स, गोनेफ्स, गोनर्स, गोंग, फिर देखिए गोनेप्स, उसके बाद देखिए गोनेप्स, गोनियन, गोनियम है ना, गोनोफ्स, गोनोफ,
गोबर, ई आर कर बोलते हैं, बी लगा हुआ तो गोबर हो गया, गुड बाय, गुडी, गुडली, गुफेड है ना, गुफेड, गुगली। दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। फिर से मैं यही कहूँगा कि आप अगर यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरे द्वारा जो उच्चारण किया गया उसको फिर से वीडियो को देखकर एक बार दो बार देखिए, यहाँ ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाए कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भोवेल। अब भोवेल को याद कैसे करना है, याद रखिए सभी भोवेल में अ आ तो आता ही है, तो देखिए पाँच या चार में से दो तो याद हो गया ना। अब ई आई में लिए देखिए यहाँ दो दो और बढ़ा लीजिए, तो कहने को तो पाँच में से चार हो गए इन दोनों के लिए। और ओ यू डबल ओ में देखिए ओ बढ़ा लीजिए, तो चार में से तीन तीन हो गया। इस तरह से याद रहेगा दिमाग में हमेशा, और पुराने पुराने वर्ड मीनिंग को लीजिए, तभी आप नए वर्ड मीनिंग जो कभी आपने देखे भी नहीं हो अगर अचानक पढ़ पाए, अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पुराने वर्ड मीनिंग पे थोड़ा सा अपना समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग का जो है, दिमाग का जो समझ है उसको बढ़ाना होगा। एक्चुअली आप सब कुछ समझते हैं, इसलिए अब इसे कम ए देखिए मैंने लिया है ए ई आई ओ यू डबल ओ से वर्ड मीनिंग। अब इसमें देखेंगे कि वाकई में क्या इसका हो रहा है उच्चारण या नहीं। जैसे कंपनी में ए को अ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ए से अ होता है ना, तो हो रहा है। सॉल्ट में ए को क्या बोलते हैं, सॉल्ट, आ रहा है उच्चारण, देखिए यहाँ भी है, डंटा भी है, मात्रा भी देखें। केयर में ए का उच्चारण ए हो रहा है तो भी है, यहाँ मात्रा से पता चल जा रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या है, ए हो रहा है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे। देखिए परफेक्ट में दो ई है, एक यहाँ दो ई, दूसरा ई, पहला ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है पर, दूसरा ई जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ पे। फिर देखिए प्रीफिक्स में पहला ई जो है या दूसरा ई की बात करते हैं तो ई ई बोलते हैं ना, तो अब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ई बोल रहे हैं, कहाँ छोटी कहाँ बड़ी, इसलिए ई रखिए। टेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। आई का उच्चारण वाला देखिए वर्ड मीनिंग, एस आई आर को क्या बोलते हैं, सिर, नहीं स, स में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण दोस्तों छोटी के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में। उसके बाद देखिए एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में है ना, सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, आउट। एम डब्ल्यू एल मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। बी यू टी बट में यू का उच्चारण हुआ दोस्तों अ के रूप में। और पी यू टी पुट में यू का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आपको पुराने पुराने वर्ड मिल गया जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हैं, एक्चुअली सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। और देखिए कि वाकई में क्या आप इस तरह के उच्चारण जानते हैं नहीं, या क्या उसमें क्या उच्चारण हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे नए नए वर्ड्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में, चैनल के हमारे सीरीज के बारे में, हमारे चैनल के बारे में। और नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कल कितने बजे आएगा इसके लिए। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यह है, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।